ये फेरी फेरी जाने का टाइम हो गया। इसको भाव का धबधबा नहीं, भाव उच्छा धक्का बोलते हैं। जो पूरी नॉर्मल फेरी है ना, तो वो अपने को मिलता है। एग्जैक्ट पूरा मच्छियों का गोडाउन है, कौन सी मच्छी है नाम ही नहीं मालूम। मतलब यहाँ के कुत्तों बुल्लियों को तो एकदम राजा है। क्या समंदर किनारे से आते हैं, यहाँ से लोड होके यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से अनलोड होके यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है पूरा। मोबाइल नहीं कर देते। 20 रुपीस केजी जाएगा ये मच्छी, बाप रे। इसका रेट क्या है? ये वाला अंदर मच्छी मच्छी हो गया स्मेल से। सुरमई मच्छी यार, वो सुरमई है। किधर? पुणे से ला रहे हो भाई? मटगट के बोले से नहीं, ना जाने किधर से लाया था, बट सही सलामत इसकी गाड़ी पहुंच गई यहाँ। इतना टाइम में इधर आया, बट एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे टाइमिंग पे आ गए। जस्ट आप मेरे सामने देखो, जो ब्लू कलर की फेरी दिख रही हो, वो M2M फेरी है, जो कि यहाँ से डायरेक्ट अलीबाग के लिए निकलती है। और काफी बड़ा साइज का है यार, आप साइज देखिए इसका, ये देखिए बहुत बड़ा है। इसको भाव का धबधबा नहीं, भाव उच्छा धक्का बोलते इसको। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई। काफी टाइम इधर आ चुका बट कभी वीडियो नहीं बनाया, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, तो मतलब चलो वीडियो भी बना लेते एक बार। M2M फेरी का यहाँ से एक लोकल फेरी का, मतलब जो नॉर्मल पहले के फेरियाँ चलती थी ना, वो यहाँ से निकल के जाती है। और लुक एट द समंदर यार, क्या प्यारा दिख रहा है। धूप बहुत है बट कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए चलता है। फिर से बाइकें भी आते जाते हैं, इस पर बाइक का रेट काफी कम है। एक्चुअली ये हो रहा है कि जो स्कूटी है वो तीन पहिए की, इस पे जगह कम है काफी निकालने को। लेट्स सी, देखते हैं निकलता है कि नहीं। कहाँ से ला रहे हो? कहाँ से ला रहे हो? किधर? पुणे से ला रहे हो भाई? मटगट के बोले से नहीं, चलो हो जाएगा, निकल जाएगा अभी। चलो निकल गया आराम से, हो गया एकदम मस्त का। ना जाने किधर से लाया था बट सही सलामत इसकी गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे। घूमने को मजा आया यार, बट चीजें है ना यार, गर्म बहुत है, धूप है ना, चटका मार, इसलिए देखो छांव से चल रहा हूँ। बट आप शाम में सनसेट में आओगे ना, तो एक अलग ही मजा रहेगा इधर। ये फेरी जाने का टाइम हो गया लिटरली यार, क्या बड़ा साइज है यार। छोड़ो, दिवाली की नेक्स्ट छुट्टी है, सोच रहा हूँ एक बार तो अलीबाग इसमें चले ही जाओ यार मैं। ये देखो साइज, आप कंटिन्यू इसके अंदर अनाउंसमेंट भी होता है, आपको कैसा रहना है, क्या करना है, हर एक डेक का अलग पैसा। आप नेट पे देखेंगे इसके बारे में, आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। मजा डार्क बहुत बड़ा है, जिसमें अपने को अलाउ नहीं करेगा। ये खाली फेरी वाला जगह है जो अपन घूम पाते हैं, बाकी जो मेन डार्क है ना, वहाँ पे अपने को अलाउ नहीं करते लोग। तो वहाँ पे सब शिपमेंट वगैरह आते जाते, ऑयल वगैरह आता जाता है ना कंटेनर, इसके लिए ये सीन है। बाकी ये नॉर्मल घूमने की जगह तो घूम नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी नॉर्मल फेरिया है ना, तो वो अपने को मिलता है। तो तू ये सब देख सकता है, घूम सकता है, आ जा सकता है। एक्चुअली ट्रैवल करने के लिए ये जगह, कमर्शियल पर्पस नहीं है। पानी का लेवल अभी और बढ़ता है कि इतना ही है? पानी का लेवल और बढ़ेगा कि इतना ही? अभी अभी इतना ही है, अभी उतर रहा है, अभी उतर रहा है ना। मतलब डाउट क्लियर है, वो जेटी तक जाने का रास्ता है और उल्वे का फ्लावर उस तरफ है। मैं मतलब गलत दिशा में खड़ा था, गलत बता रहा था। जस्ट आपको सामने जो बड़ी बड़ी बोर्ड दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअली कैमरे में जूम होके दिख नहीं रहे, बट उस बोर्ड की खासियत है ना, 60,000 रुपये स्टार्टिंग रेट है, जो कि गोवा जाता है और 3 दिन लेगा आपको। 3 दिन एटलीस्ट गोवा जाने में लेगा। अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा, थिएटर, डांस बार, क्लब, एक ग्राउंड भी अंदर खेलने के लिए क्रिकेट। 3 दिन मतलब आप ट्रेन से जाओगे तो हार्डली 7 घंटा 8 घंटा, बस से जाओगे तो 12 घंटा, कार से जाओगे 10 घंटा, बट उस बोट से जाओगे तो 3 दिन लेता है। 3रे दिन आपको गोवा टच करेगा, मतलब आप 3 दिन फुल एंजॉय करते हुए गोवा जाओगे तो फिर गोवा में क्या एंजॉय करेंगे? मतलब ये कहते हैं बोट में इतना एंजॉय कर लोगे तो। उस जगह पे 2 बोट खड़ी है, जो दूसरी बोट है ना ऑल इंडिया, मतलब वो यहाँ से इंडिया से बाहर जाने के लिए भी शायद कुछ है, कहीं से वाया वाया कनेक्ट होकर निकल जाता है। बट उस चीज बोट को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ का पानी लेवल काफी कम रहता है, डीप कम है, और उस ब्रिज के उस तरफ जाएंगे तो डीप ज्यादा है, तो इसके लिए बड़ी जहाज वहाँ पे रहती है। सब बोर्ड वाले इधर नहीं, यहाँ से बोर्ड निकलती 20 दिन 25 दिन का टूर रहता है लोकल डायरेक्ट, और सीधा 1500 किलोमीटर अंदर। उसके बाद 1500 किलोमीटर कितना डीजल कैरी करेंगे, क्या क्या करेंगे लोग यार।
उस नाव चलाने वाले का एक दिन का 1500 से 2000 रुपए सैलरी है, और जो बड़ा बड़ा क्रूज चलाते हैं उनका तो सैलरी कुछ मत कह रहे थे। बड़े बोर्ड की खासियत ये होती ना, उनका पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट 8 लाख 10 लाख 15 लाख का। एक साल लोग पूरा बोर्ड में रहते, बोर्ड चलाते, बोर्ड में घूमना फिरना रहता है पूरा, सही है। लेकिन एक साल बोले तो पूरा उसमें रहते हैं लोग। एग्जैक्ट पूरा मच्छियों का गोडाउन है, यहाँ से पूरी मच्छियाँ बन बन के सारी कहती होगी मच्छी बन के नहीं, यहाँ से ट्रक में लोड होकर दूसरे का जाके अब लिटरली आप मान नहीं पाओगे, इतनी स्मेल है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वो सब कौन सी मच्छी है नाम ही नहीं मालूम। कटर होता आइस पीसनेस को पूरा गाड़ी से आइस पीस के पूरा रिटर्न इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर पूरी मच्छी झींगा लोड होके आगे जाएगा। मजा आता है, मतलब थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बहुत मजा आता है इधर सब जगह पे आना, बहुत नया नया कुछ देखने मिलता है। यहाँ पे आप 1 किलो 2 किलो खरीद सकते हो, थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब 1 किलो 2 किलो या फिर सीधा 10-15 किलो लॉट में खरीद के लेके जाओ यहाँ से। काफी होटल वाले यहाँ से डायरेक्ट लेके जाते हैं, उनके डीलर के थ्रू यहाँ से जाता है पूरा मच्छी इधर। हाँ, इतनी सारी मच्छियाँ, और वहाँ पे तो देखो पूरा पहाड़ बनाया मच्छी का। अब यहाँ के कुत्तों बुल्लियों को तो एकदम राजा है, मतलब उनको साल का 60 दिन यहाँ पे नॉनवेज दोगे, इतना गिदा पड़ा है, बिंदास उठा के मच्छी बिल्ली खाती है, कोई उनको बोलने वाला कुछ नहीं, बिंदास खाओ रैश करो, ऐसी बिल्ली यहाँ पे। क्या समंदर किनारे से आते हैं, यहाँ से लोड होके यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से अनलोड होके यहाँ पे अंदर की तरफ जाता है पूरा, फिर यहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग। मोबाइल नहीं कर देते सुखा रहे नीचे मच्छी, तो देख यार क्या नमक डाल के पूरा बर्फ डाल के 20 रुपीज केजी जाएगा ये मच्छी, बाप रे। सुरमई मच्छी है, देखो सुरमई है ये बड़ा, ये हलवा, और वो मालूम नहीं नाम उसका, बट इसमें एक सिंगल सिंगल काटा है। आंटी इसका रेट क्या है? कौन सा वाला? ये वाला कोई भी, मतलब ऐसा एक लेंगे तो 500 में 300 में 400 में। एक की मतलब जोड़ी एक 500 में, 300 में। हाँ ये 300 में। अच्छा 300 में एक जोड़ी लगे 500। अच्छा चलो फिर अब निकलते, ज़्यादा उसके मतलब नहीं है, पूरा अंदर मच्छी मच्छी हो गया स्मेल से। अब यहाँ से टाटा बाय बाय करते, चलते निकलते। और चलो फिर अंदर से जाके बाहर आ गया, वापस बाइक की तरफ आ गया हूँ। अब निकलते यहाँ से, गर्मी इतनी ना कि मतलब भूखने नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि कब यहाँ से भागू या ठंडे पानी से नहाऊं। चलो फिर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बिना सब्सक्राइब के आप लोग खाली वीडियो देख के चले जाते हो, तो सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा।